प्रेजेंटिंग अरीना स्क्वायर बाय एम्पायर अरीना। इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है इंटरनेशनल आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने। ये एक रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें आपको मिलता है सेपरेट कमर्शियल स्पेस फॉर योर शॉप्स एंड ऑफिसेस। इसी के साथ आपको मिलता है 1, 2 and 3 BHK के लग्जरियस रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज में आपको मिलता है स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गार्डन, इंडोर आउटडोर गेम, मल्टीपर्पज हॉल, साथ ही साथ और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, ये सब सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के फासले पे। सो क्यों रहना ऑर्डिनरी जब मिल रहा है लग्जरी। डू कॉन्टेक्ट फॉर मोर डिटेल्स www.arenasquare.in। मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कोर्ट ले जा रही महिला कैदियों की गाड़ी में अचानक से आग लग गई। कैदियों और पुलिस कर्मियों ने कूद कर अपनी जान बचाई। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से बीच सड़क पर धू धू कर ये गाड़ी जल रही है। पुलिस की ये गाड़ी है जिसमें आग लगी हुई है। आपको बता दें कि लखनऊ की महिला कैदियों को ले जा रही पुलिस की गाड़ी में अचानक से आग लगी। गनीमत रही कि ड्राइवर और उसमें बैठी महिला कैदी और पुलिसकर्मियों ने कूद कर अपनी जान बचा ली और आग ने कुछ ही देर में पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया और आसपास आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझाने में जुटे और काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग कैसे लगी पुलिस की गाड़ी में अभी इसका पता नहीं चल सका है, इसकी जांच जारी है। और इसमें महिला कैदी जा रही थी, राजभवन गेट नंबर 14 पर स्पार्किंग हुई, स्पार्किंग से आग लग गई और तुरंत वहां के महिला जो इसमें सुरक्षा गार्ड लगे थे, महिला सिपाही, उनको तुरंत उतार लिया, बहुत कुशलता से उनको बाहर उतार लिया। आग लग गई, बढ़ गई, तुरंत उनको खबर मिली फायर स्टेशन में, तुरंत 2 गाड़ियों सहित वहाँ पर मौके पर आया, तुरंत आग बुझाया। पूरी महिला 9 महिला थी, 9 महिला कैदी सुरक्षित हैं और दूसरे वैन से वो उनको गंतव्य स्थान पर भेजी जा चुकी हैं। असर उनकी सुरक्षा में जो महिला कांस्टेबल थी, क्या उन्होंने बहादुरी दिखाते हुए उनको नीचे निकाला था कि और भी लोग आ गए थे निकालने? नहीं, जहां तक मुझे खबर है महिलाओं के द्वारा ही उनको उतारा गया। आग का कारण यही बताया गया ड्राइवर साहब के द्वारा कि इसमें वायरिंग शॉर्ट सर्किट हो गई जिसकी वजह से आग लगी।